सऊदी अरब ने एक ऐसा एक्शन ले लिया है जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। हमास के लिए और दुनिया भर में फैले फिलिस्तीन के समर्थकों के लिए दिल में सऊदी अरब ने दहशत भर दी है। अरब के सऊद राजवंश की पॉलिसी ऐसी है कि इजराइल की बांछें खिल गई हैं। हमास के समर्थकों को सऊदी अरब में गिरफ्तार किया जा रहा है, यहां तक कि फिलिस्तीन का नाम लेने से भी अब लोग कतरा रहे हैं वहां पर। गाजा में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3,000 लोग मलबों में दफन हैं। इजराइल किस तरह और कितनी तरफ से हमास पर टूट पड़ा है, इसकी रिपोर्ट करने की ताकत भी अब फिलिस्तीन के अखबारों के पास नहीं बची है। गाजा पट्टी के अंदर 40 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं और इजराइल फिलिस्तीन के अखबारों के पूरे नेटवर्क को ही तोड़ दे रहा है। इसीलिए अब गाजा पट्टी से वही खबरें सामने आ रही हैं जो इजराइल चाहता है। इतने बुरी हालातों के बावजूद भी 57 इस्लामी मुल्क गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों के जान और माल की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है उससे ये साफ लग रहा है कि उत्तर गाजा में भारी कोहराम मचाने के बाद अब इजराइल अपना पूरा फोकस दक्षिणी गाजा पर कर रहा है। सवाल ये है, अगर उत्तर गाजा और दक्षिण गाजा दोनों में ही इंसानों के रहने लायक स्थितियां नहीं रहेंगी तो आखिर गाजा के लाखों लोग कहां जाएंगे? ऐसे खतरनाक हालातों में अगर 57 इस्लामिक देश एक साथ खड़े होते तो निश्चित तौर पर इजराइल पर दबाव बनाना बहुत आसान हो जाता, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। एक तरफ सऊदी अरब है जो हमास का समर्थन करने वाले लोगों पर हंटर चला रहा है, तो दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान है जो दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं गाजा पट्टी के लोगों की बात करके भावुक हो जाते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन का दौरा किया है और जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, लेकिन इस पूरी वार्ता के दौरान आर्थिक मुद्दे पूरी तरह से किनारे नजर आए और दूसरे सभी मुद्दे गाजा पट्टी के तनाव के सामने छोटे पड़ गए। आखिर कैसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान हमास के पक्ष में पूरी इस्लामी दुनिया को एक करने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं, ये पूरी हकीकत आपको विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरब की, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिस पर यकीन करना नामुमकिन नजर आता है। एक ब्रिटिश एक्टर और प्रेजेंटर इस्ला अब्दुल रहमान फिलिस्तीन के लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उन्हें सहानुभूति व्यक्त करने से भी रोका गया और सऊदी अरब की पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया। सऊदी अरब के अंदर ऐसी एक नहीं और भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें हमास के समर्थकों पर सऊदी अरब की सरकार कड़कती बिजली की तरह टूट रही है। इस घटना ने पूरी इस्लामी दुनिया में एक हड़कंप सा मचा दिया है।
दरअसल ब्रिटिश एक्टर इस्लाह अब्दुल रहमान उमरा करने के लिए सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब के अंदर इस्लाह अब्दुल रहमान फिलिस्तीन के लोगों के साथ सहानुभूति जताने के लिए एक फिलिस्तीन काफिया पहने हुए थे। फिलिस्तीनी काफिया एक ऐसा कपड़ा होता है जो गले पर पहना जाता है और इसमें चेक होते हैं। फिलिस्तीन का आंदोलन करने वाले बड़े नेता यासिर अराफात अक्सर फिलिस्तीनी काफिया पहनते थे।